स्मार्ट सिटी धर्मशाला में 2 फरवरी को जिला प्रशासन और इंडिया एंडो रेस के सहयोग से हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन ने हाफ मैराथन की तैयारियां शुरू कर दी है। हाफ मैराथन 2020 सिंथेटिक ट्रैक धर्मशाला से युद्ध संग्रहालय होते हुए मैक्लोडगंज धर्मशाला तथा बापिस स्टेडियम धर्मशाला में समाप्त होगी। हाफ मैराथन में लगभग 200 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। जिला कांगड़ा में नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत 2 फरवरी को धर्मशाला दौड़ेगा। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में 2 फरवरी को जिला प्रशासन और इंडिया एंडोरेस के सहयोग से हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन ने हाफ मैराथन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाफ मैराथन 2020 सिंथेटिक ट्रैक धर्मशाला से युद्ध संग्रहालय होते हुए मैक्लोडगंज धर्मशाला तथा वापिस स्टेडियम धर्मशाला में समाप्त होगी। हाफ मैराथन में लगभग 200 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। जिला प्रशासन ने हाफ मैराथन के लिए पुलिस विभाग को, ट्रैफिक और स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस, डॉक्टर व पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि 2 फरवरी को धर्मशाला में हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन और इंडिया एंडो रेस के सहयोग से आयोजित की जाने वाली हाफ मैराथन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं तथा पुलिस विभाग को, ट्रैफिक व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस व डॉक्टर सहित दवाइयों की व्यवस्था के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें 3 कैटेगरीज में होना है, 5, 10 और हाफ मैराथन जो किलोमीटर्स हैं, और ये 2 तारीख को 2 फरवरी को रखा गया है और इसको धर्मशाला मैक्लोडगंज हाफ मैराथन के नाम से जाना जाएगा और ये शुरुआत की जा रही है और एक से नो टू ड्रग्स थीम को लेकर ये शुरुआत की जा रही है और आने वाले समय में कोशिश की जाएगी कि जो ये मैराथन है, इनफैक्ट एक मैं लिस्ट देख रहा था कहीं पर जिसमें इस साल के जो टॉप 10 जो हाफ मैराथन्स हैं पूरे इंडिया में, जो जिनके लिए लोग प्रेरित कर रहे हैं जाने के लिए, उसमें 3रे नंबर पर इस मैराथन को आंका गया है। तो कोशिश यही है कि एक बढ़िया पार्टिसिपेशन हो और धर्मशाला मैक्लोडगंज का जो नाम है विश्व मानपटल पे आए। ये आपका जो साई स्टेडियम है, साई ग्राउंड से वहाँ से शुरू होकर मैक्लोडगंज तक जाएगी और वापस। इसमें एक प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने पहले एप्लीकेशन की थी कि इस तरह का कुछ आयोजन करना चाहते हैं। उसके बाद जिला प्रशासन के साथ उनकी बैठक हुई थी और फिर हमने बोला कि अगर से नो टू ड्रग्स के थीम से किया जाता है तो जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा और हम भी चाहते हैं कि ये जो मैराथन है ये हर साल का एक रेगुलर फीचर बने। तो इस बार आयोजक कोई और है, अगले साल कोई और आयोजक होगा, लेकिन इस आयोजन के माध्यम से एक बड़ा संदेश देने का कोशिश प्रशासन का रहेगा।